हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट वर्दी। ये रेसिपी है चीज़ी मिर्ची वड़ा की। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी कुछ सरसों के दाने। जब ये अच्छी तरह से स्प्लटर होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। बहुत कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों से तैयार हो जाता है ये चीज़ी मिर्ची वड़ा। अब इसमें मैं डालूंगी एक बारीक कटी हुई प्याज। इसे भी हम अच्छी तरह इस मक्खन के साथ पका लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डाला है। इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। आधा कप बारीक कटी हुई गाजर डाली है। टू टीस्पून नमक डाला है। इन सभी को लो फ्लेम पे अच्छी तरह पकाएंगे। 1-2 मिनट और पका देने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। वड़ा की स्टफिंग के लिए मैंने 2 आलूओं को उबाल लिया है। अब इसे एक फोर्क की हेल्प से पूरी तरह से मैश कर लेंगे। हमने प्याज और कड़ी पत्ते का तड़का रेडी किया था, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ओरिगैनो जाएगा। सभी मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड किया है। इसे भी अच्छी तरह आलूओं के साथ मिला लेंगे। अब मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, उसे अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसे बीच में से स्लिट करेंगे सभी हरी मिर्चों को। अब इसे खोलकर इसमें जितने भी सीड्स हैं सारे सीड्स निकाल लेंगे। सारी हरी मिर्चों से सारे बीज अच्छी तरह निकाल के इसे बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। आप इसके स्टफिंग के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइस चीज़ यूज़ किया है। स्लाइस चीज़ को मैंने हाफ कट कर लिया है। इसमें हम फिल कर देंगे स्लाइस चीज़। इसके साथ साथ जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की थी, आलू की स्टफिंग भी इसके अंदर भरते जाएंगे। सभी मिर्चों को इसी तरह रेडी कर लेंगे इस आलू और चीज़ की स्टफिंग भर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। सभी मिर्ची वड़ा की स्टफिंग हो गई है। अब इसकी कोटिंग के लिए हम एक स्लरी रेडी कर लेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेश ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। अब एक बाउल में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैदा डालेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड किया है। अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी डालकर इसका एक स्लरी रेडी कर लेंगे। अब जो मिर्ची की हमने स्टफिंग की थी वो सबसे पहले हम इस स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये इसकी फर्स्ट कोटिंग होगी। इसकी दूसरी बार भी हम कोटिंग करेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये इसमें से चीज़ या आलू कुछ भी बाहर ना निकले। एक बार इसको डिप करके कोट कर लेंगे, फिर दोबारा इसको दोबारा स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। ये सभी मिर्चियों के साथ हम 2 बार इसकी कोटिंग करेंगे। अब इन सभी मिर्ची वड़ा को मीडियम हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। दस से बीस सेकेंड तक एक साइड पर इसे अच्छी तरह कुक होने देंगे, उसके बाद इसे हम फ्लिप करेंगे। इसी तरह बाकी के सभी वड़ा भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।